देखें जी, हमने प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई थी, वो दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अब हमने उसमें कौन सी जो है वो स्लाइड्स बनानी है, एक अबाउट की स्लाइड हमने बनाई थी, नहीं बनाई है मैंने, ये नहीं बनाई है, और हिस्ट्री की बनाई थी। चलें टीम, ये नहीं बनाई है, ठीक है। टाइमलाइन ये नहीं बनाई है। चलें फिलहाल हम थोड़ा सा ये है कि अबाउट की तरफ चलते हैं, अबाउट की स्लाइड हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। गौर से देखते जाएं क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन से फंक्शंस पे काम हो रहा है, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ से इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ले लूंगा मैं, ओवल शेप, और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे इसे ले आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने जो है वो पिक्चर रखनी है। क्या रखना है? इसके अंदर पिक्चर रखनी है। राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, फॉर्मेट शेप में चला जाऊँगा, और यहाँ पर देखेंगे जो फिल आ रहा है, फिल में जाकर मैं यहाँ से करूँगा पिक्चर आर टेक्सचर फिल, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम कर दूंगा। देखें इस तरफ, देखें इस तरफ नहीं देखेंगे आप, अपने उसमें लगे रहेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो उठा लेता हूँ। चलें ये पिक्चर मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरी इसमें एक पिक्चर आ गई, अब ये इसमें बैकग्राउंड में आ गई, ठीक है। अब ये जो इसका लाइन है, लाइन को आप ख़त्म कर दें, क्या कर दें, लाइन को आप नो लाइन कर दें। नो लाइन करने के बाद अब आप मैसेज टाइप करें, क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपने लिखा मैसेज फ्रॉम, इसकी हम साइज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो हम कर देंगे जी, TWCanEmpty, ये मैं इसकी जो है वो डिज़ाइन रख लूँगा। और मज़ीद अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा कर दूँ, और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कर दूँगा, लाइन स्पेसिंग, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ले जाकर बीच में रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ से देखें जो ए बी लिखा हुआ है, ये करेक्टर स्पेसिंग है, ठीक है। एक तो लाइन स्पेसिंग होती है, एक करेक्टर स्पेसिंग है। आप इससे करेक्टर्स को जितना दूर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या मूव स्पेस मोर जो है वो करेक्टर स्पेसिंग में चले जाएंगे हम, और यहाँ से हम पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे तो इसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 3.1 करता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा। अगर मैं और इसको मज़ीद जो है वो करना चाहता हूँ तो मैं इसको 5 पर ले आऊँगा, बल्कि 4 पे कर देते हैं, ठीक है। ये देखें आपके करेक्टर के अंदर जो स्पेसिंग है
वो आपकी दूर दूर तक आ गई। ठीक है, अब इसका कलर मैं चेंज करूंगा, जो कलर मुझे चाहिए, मैं जो रखना चाहता हूं वो मैं रख सकता हूं इसका कलर। मैं इसका कलर ये कर देता हूं जामनी। ठीक है, अब मजीद मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा और यहां से मैं जो है वो टाइप कर दूंगा मैसेज फ्रॉम सीईओ। यहाँ पे कंपनी नेम आएगा, तो यहाँ पे आप जो है वो मैसेज टाइप कर देंगे, दिस कंपनी इज फॉर एजुकेशन। जस्ट कोई भी आप जो है वो टाइप कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऐसे थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। इसकी मैं साइज बड़ी कर दूंगा, इसकी साइज में और बड़ी कर दूंगा, यहाँ से इसको सेंटर कर दूंगा। ठीक है, आप दो तीन लाइंस का जितना आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पे इसको आपने यहाँ पे रख दिया। और अब हम जाएंगे एनिमेशन की तरफ। ठीक है, एनिमेशन जस्ट हम देंगे इसको जूम, ठीक है जी, जूम, और इस टेक्स्ट को जो है वो एनिमेशन हम देंगे फ्लोएड इन कर दें, इनको फ्लोएड इन भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो एनिमेशन होगी, एनिमेशन पेन में चले जाएं, यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ओवल शेप, ओवल शेप की सेटिंग कर लें आप यहाँ से 75। ठीक है, और मैसेज फ्रॉम, और इसकी आप सेटिंग कर लें 75 25 डिले, और इसकी भी आप सेटिंग कर लें 75 25 डिले, सॉरी। और इसका यह विद प्रीवियस है, इसको भी आप विद प्रीवियस रखेंगे, क्या रखेंगे, विद प्रीवियस। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे ये जो है वो पहले आ गया है, वो बाद में आ रहा है। थोड़ा सा एनिमेशन को सेट कर लें, इसको विद प्रीवियस कर लें और इसको आफ्टर प्रीवियस कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से आप जो है वो एक वेलकम नोट की जो है वो स्लाइड बना सकते हैं। हम आगे चलते हैं क्योंकि इसमें इतना काम नहीं है, ये आप आराम से बना लेंगे, फिर तसली से बैठ के बनाइएगा। हम न्यू कर लेते हैं और अब हम चलेंगे, किस पे चलें, टीम पे या टाइमलाइन पे, टीम पे चलें, इत्तफाक राय क्या बता रही है, नंबर से चलें, टीम पे चलते हैं पहले, पहले टीम है, टाइमलाइन है, चलें पहले टाइमलाइन पे चलते हैं। ठीक है, टाइमलाइन के लिए देखें सबसे पहली चीज़ कि हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे, इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट में गए शेप्स, यहाँ पर आपको ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है ओवल कॉल आउट। क्या नाम है इसका, ओवल कॉल आउट। आप लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद आप इसके पॉइंट को पकड़ के आप यूं ऐसे सीधा ले आएंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा लाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है हम इसको